आ चुके हैं असम के गुवाहाटी के पल्टन बाजार में, जो रेलवे स्टेशन के बगल में है, और जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले चुनाव पे लोगों का क्या स्थिति है, क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है इलेक्शन में। आइए, क्या कर रहे हैं भैया? आप यहीं रहते हैं तो इलेक्शन तो आने वाले हैं, अभी तो वोटिंग होगी, वोटिंग किसी ना किसी को होगी, तो आपकी वोटिंग कहाँ होगी? जहाँ पे ये है अपना, देखेंगे किसको दे। तो अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है किसे देना है? ऐसा बात नहीं है, लेकिन और समय है इलेक्शन के लिए, तो और चुनाव तो अभी तक घोषणा हुआ नहीं है, घोषणा होगा उसके बाद। पार्टी जितना पार्टी है वो लोग अपना प्रोस्पेक्टस निकालेंगे, घोषणा पत्र निकालेंगे। मैनोफेस्टो का वेट कर रहे हैं कि घोषणा पत्र आएगा, उसे देख के निर्णय लेंगे। जरूर जरूर। घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ रहता है सारा काम होता है? अभी तो देखिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आया है, मोदी जी आने के बाद तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आया है, तो अभी तो आपको जो कहना है वो करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बाद क्या सोच के आप जनता के पास क्या लेके जाएंगे? तो वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स मोदी जी ने लाया है देश में। अच्छा, ये बताइए, वोट देते समय आप किस हिसाब से वोट देने का चॉइस करेंगे? क्वेश्चन इस प्रकार है कि कैंडिडेट कौन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, या पार्टी कौन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा? और सिंपल कर देता हूँ, किसी एक कैंडिडेट को वोट देना है चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, या एक्स वाई जेड पार्टी में वोट डालना है चाहे कोई भी कैंडिडेट रहे, देखिए अगर किस हिसाब से सोच। कप्तान अगर ठीक रहेगा तो, अगर कोई प्लेयर अच्छा भी ना खेले लेकिन अगर कप्तान ठीक रहेगा और उसका अगर स्ट्रेटेजी ठीक रहेगा तो मैच हार जीत तो है, लेकिन कप्तान अगर ठीक है तो वो कम से कम कोशिश करता है कि ताकि उसका टीम जीते, तो कप्तान का ऊपर निर्भर करता है। तो कप्तान आप मतलब ये जो कप्तान बेहतर होता है, तो आपने जो अभी बताया सब कुछ, तो किस कप्तान का परफॉर्मेंस देख के आपको कप्तान पे ज़्यादा? मोदी जी ने तो एक परफॉर्मेंस दिया है ऑल इंडिया लेवल में, यहाँ पे सर्वानंद सोनोवाल जी ने भी एक अपना परफॉर्मेंस दिया है, तो उससे बेटर अगर अपने को लगे कि नहीं इनसे भी बेटर है, मोदी जैसे भी कोई बेटर अगर लीडर आए जो अपना एक विजन दे और जिस विजन पे हम लोग विश्वास करें कि हाँ ये इनसे भी बेटर होगा, तो ऐसा हम लोग है, वेट पे है। मतलब फिलहाल मान के चले कि अगर आपका वोट किसी को चाहिए तो उसे मोदी जी से बेहतर करना पड़ेगा। अगर कोई आए उनसे भी बेटर, अगर कोई हिमंत विश्व शर्मा से भी बेटर कोई मंत्री आए, सर्वानंद सोनोवाल से भी बेटर कोई सीएम आए, तो जरूर हम लोग उस बारे में भी सोचेंगे, लेकिन उनसे और बेटर होना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा है। काफ़ी बार लोगों को लगता है कोई एक पार्टी का नाम लेके कहते हैं कि इसे वोट करना चाहिए, मगर इन्होंने जो कहा वो काफ़ी हद तक सही है, जो बेहतर है अगर उससे और बेहतर मिले तो उसके साथ जाएंगे। भैया, इलेक्शन तो आने वाले हैं तो वोटिंग तो होगी, तो कुछ तो बताइए। वैसे लग रहा भैया खुश हैं क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं, बस और कुछ बोल दें कि मुस्कुराने का कारण क्या है? इस बार कौन? मोदी 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 इस बार। आपको क्यों मतलब क्यों मोदी, ये भी बताइए। क्यों, उसका हर एक चीज़ अच्छा लग रहा है। रास्ता पहले बहुत खराब था, अभी तो रास्ता है। रास्ता मतलब आपके हिसाब से जो रास्ता का बना है, नाला सब ठीक हुआ है, ये सब लेके मतलब पहले जो नाले की स्थिति कहे या रास्ते की स्थिति कहे, पहले जो थी अच्छा, तो मोदी जी के आने के बाद आपका मानना है बहुत सुधार आया है? बहुत अच्छा हुआ है मोदी जी के आने के बाद। तो यहाँ पे तो वैसे असम में और भी कुछ नए नए पार्टी आए हैं, तो क्या लग रहा है उनका कितना चांसेस है? उन लोग का तो पता नहीं, लेकिन मोदी कन्फर्म है। अच्छा, मतलब किसी के विरोध में नहीं, मोदी जी पक्के हैं यही कहना चाहते हैं। चलिए, यहाँ भी मोदी जी का ही नाम सुनाई दे रहा है, आइए जानते हैं कौन। बीजेपी आएगा। बीजेपी पक्का? ठीक है, बीजेपी आएगा, तो आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं? जरूर देने वाला है। तो कुछ कारण भी बताइए कि बहुत डेवलप किया, बहुत डेवलप किया गुवाहाटी। मोटा मोटी देखिए गुवाहाटी में अभी तक कितना ब्रिज, रास्ता, सड़क, बाकी जो आपका ये क्या बोलता है, अचोनी जो बोलता है हम लोग का, बहुत अचोनी मिला है। जैसे उजाला, दनझन, वृद्ध पेंशन, बहुत कुछ मिला है। कुल मिला के आप पूर्ण रूप से जो बीजेपी का कार्य था उससे संतुष्ट हैं?
चलिए, और जो इस बीच नई भी राजनीतिक पार्टी आए हैं उनका क्या कहेंगे, क्या भविष्य आपको लगता है? सबको खेलने का हक है, नया पार्टी भी खेल रहा है, उसको भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, सबको खेलने का हक है। लेकिन जो डेवलप जो है पब्लिक आम जनता सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हम लोग का मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी का नेतृत्व में फिर भाजपा का सरकार असम में जरूर आएगी। चलिए, दोबारा इनका भी यही कहना है कि असम में भाजपा की सरकार दोबारा आने वाली है, और आइए और आगे मिलते हैं कुछ लोगों से, जानते हैं कि और लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। फिलहाल अभी हम पहुँचे हैं घड़ी की दुकान में। जब हमारे पास हम कहीं जाने वाले रहते हैं तो अक्सर हमें समय देखना पड़ता है, उस वक्त घड़ी हमारा काफ़ी साथ देता है जो ये भैया बेचते हैं। तो आइए इनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि इस बार चुनाव के क्या नतीजे आने वाले हैं, क्या लग रहा है इलेक्शन में किसका समय ज़्यादा बेहतर होने वाला है? इलेक्शन में तो अभी जो है उसका ही होगा, जो है उसका ही होगा, मतलब बीजेपी का होगा। यस। तो चलिए, आपने ये तो बता दिया कि बीजेपी आएगी, तो ये भी बताइए कि क्यों? क्योंकि असम में तो अभी कोई दूसरा पार्टी है ही नहीं, मतलब एजेपी और बीजेपी, ये एजेपी और बीजेपी का अलाइन चल रहा है। मगर इस बीच तो एक नई राजनीति, दो नई राजनीतिक पार्टी भी आई हैं जिनके बारे में हमें पता चला, तो उनका भविष्य आपको क्या लगता है, या भविष्य बोले तो उनका समय क्या लगता है? जैसे आप चारों तरफ समय से ही घिरे हुए हैं, घड़ी दिख रही है, तो अब आगे किसका क्या समय है, आप क्या बता सकते हैं ये बताइए। क्या है, वो लोग तो अभी नया बनाए हैं, देख लीजिए क्या होता है आगे, लेकिन इस इलेक्शन में तो लोग का कुछ नहीं होगा। मतलब इस इलेक्शन में नए पार्टी है तो इस बीच नहीं है, तो भविष्य में आपको लगता है कुछ हो सकता है? चल, हो सकता है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं होगा, फिलहाल इस इलेक्शन में इसका कोई कुछ नहीं होगा। इस बार दोबारा बता दीजिए आपका वोट किसको जाने वाला है? बोला तो रूलिंग पार्टी को ही जाएगा, रूलिंग पार्टी को ही इनका भी वोट जाएगा। तो समय यानी घड़ी लेने जहाँ लोग आते हैं उनसे भी यही, उनका भी यही कहना है कि बीजेपी ही, काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी इस एरिया में जहाँ पे हम आए हुए हैं काफ़ी लोग बीजेपी से संतुष्ट हैं, और यही बता रहे हैं कि बीजेपी का ही आने का ज़्यादा संभावना है। आइए आगे और कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, ये बताइए वोट देते हैं आप? नहीं नहीं। अच्छा, कार्ड नहीं बना है? बना है, अभी आया नहीं है। अच्छा, आया नहीं है, मतलब इस बार आप पहला वोट दोगे? तो किसे वोट? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को? हाँ। क्यों भाई? वैसे क्या वो ज़्यादा पसंद? हाँ। अच्छा चलिए, ये मोदी जी, इनको भी पसंद है और ये मोदी जी को वोट देने वाले हैं। आगे पूछते हैं किन्हीं से, वोटिंग करते हैं आप? जी एकदम वोटिंग करते हैं, हम तो इंडिया के आदमी हैं तो वोटिंग क्यों नहीं करेंगे, हमारा उम्र भी हो गया है। तो ये बताइए इस बार जो इलेक्शन आने वाले हैं क्या लगता है कौन सी पार्टी जीते? देखिए ऑल ओवर इंडिया में तो काम अभी बीजेपी के अच्छा कर रहा है, वही जीतना चाहिए, वही आना ही चाहिए। असम की बात करें तो यहाँ असम में भी बीजेपी भी अच्छा काम कर रहा है। कुछ एक काम बताइए। जैसे हो गया कि आपका मतलब ये असम सिटी में एक तो बड़ा मैक्स हॉस्पिटल दिया हुआ है, दे रहा है, मतलब बन गया है, उद्घाटन शायद हुआ कि नहीं पता नहीं है, तब ये हेल्थ रिलेटेड जो है उसमें काम हुआ है। हाँ हाँ, वो तो बहुत मतलब इंडिया का बहुत बिग बड़ा काम हुआ है एक तो असम के लिए। तब आपके हिसाब से असम में बहुत प्रगति आई है इनके कार्यकाल में बीजेपी की? हाँ, मतलब बहुत प्रगति, 5-6 साल के अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, हेमंत जी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिला के आपका वोट किससे जाने? हमारा वोट तो मतलब बीजेपी का जाएगा फेवर में। चलिए थैंक यू भैया। इलेक्शन तो आने वाले हैं तो क्या लग रहा है जीत किसकी होगी? किसकी? बीजेपी की होगी। बीजेपी, मतलब ऐसा आपको क्यों लगता? ऐसा लगता है, मैंने बीजेपी ने बहुत कुछ किया, मैंने हमारा देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बीजेपी आएगा। चलिए, देश के लिए किया वो हम मान लिए, अब असम के लिए अगर बात करें तो असम के लिए भी बहुत कुछ करा है। तो कुल मिला के आपके हिसाब से आपका वोट जाने वाला है? हाँ, बीजेपी को ही जाना है। बीजेपी को ही। इस बीच यहाँ पे और भी कुछ असम में राजनीतिक दल का गठन हुआ है, उनका क्या भविष्य आपको लगता है? नया कुछ दल आया है, लेकिन देखिए सबका तो एक तो सपना होता है ना, जो हम जीता है, सबका ऐसा होता है, वैसा ही है।
मतलब नए जो आए हैं वो भी बात सही है कि हर किसी को हक है चुनाव लड़ने का, तो वो लड़ सकते हैं, मगर जीत तो देखिए बीजेपी का ही माने। मतलब आपका मानना है यहाँ उनके कार्यकाल में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। चलिए, अभी हम जिनसे बात कर रहे थे उनका भी यही कहना है कि बीजेपी के सरकार में असम में काफ़ी अच्छा काम हुआ। आप वोटिंग करते हैं? वोटिंग तो किया मैंने। पिछले बार किसे किए थे? पिछले बार ये तो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, आगे किसे करने वाले हैं? किसको दूंगा? अच्छा, आगे किसे करने वाले? जो अच्छा कर रहा है उसको आग तो उसका तरफ ही जाएगा नजर। अच्छा करने की बात करें तो किया, लेकिन हम देखा पब्लिक के लिए किया है, कुछ ना कुछ किया है सरकार। तो करंट सरकार की ही बात कर रहे हैं बीजेपी? अच्छा काम किया पब्लिक का, जो गरीब लोगों का थोड़ा बहुत सुधार आया वो लोग। मतलब भैया का कहना है कि इन्हें कुछ मिले ना मिले, इनके नज़र में, इनके देखने में ये आया है कि गरीब लोगों के लिए पार्टी द्वारा कुछ किया गया है। तो फिर आपको कुछ नहीं मिला, गरीब लोगों को मिला, फिर भी आप? फिर भी हम खुश है। हाँ, मैं भी तो फुटपाथ में दुकानदारी करता हूँ, रोज कमाता हूँ, चलता हूँ, वही जिंदगी चल रहा है ऐसा ही कर। तो इस बीच असम में और भी कुछ राजनीतिक दल का गठन हुआ है, उनके भविष्य को लेकर आप क्या कहेंगे, उनके भविष्य के बारे में? नहीं, बात क्या है, चुनाव हार कोई आदमी लड़ सकता है, ये गणतंत्र का है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन हर एक आदमी का पोजीशन है, ये तो हम मालूम नहीं किसका पोजीशन कैसा, टीवी में सब दिखा हुआ है, असलियत में फील्ड में जाने से ना मालूम पड़ेगा ना, मैदान में जब सब पार्टी अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन काम करने वाला को आँख से अच्छा से देखना चाहिए। चलिए, इनका कुल यही कहना है कि हर पार्टी अच्छी है, मगर जो पार्टी काम करती है और काम करे वही अच्छी है। थैंक यू।